Welcome to my channel. This is Sam. I'm playing Lies of P. So as you guys know, I'm still grinding. I'm grinding to not die before any stupid boss. And I'm gonna change my to a short weapon like this one. It's 135, so it's 156. This one is good. Let's try this one. Still trying. मेरे को पता है मेरा भारी हो गया ना वजन भारी होने की वजह से पहुंचते पहुंचते नहीं पहुंचे I'd known. The surviving is a hell of a thing. इसको ना मारना पड़ेगा, रुको बहुत हो गया, इसको भी मारना इतना मुश्किल से मैं पहुँचा उधर और हरा मैंने इतना आसानी से मेरे को मार दिया
का ये रास्ते से गुजर गया था। ऊपर चढ़ के उनके तरफ से घूम के पहुँच तो जाऊंगा उधर, टाइम लगेगा। गलत चढ़ गया, उधर से जाना था। अबे नीचे चल, हो जाता उसका आधा तो मैं खत्म कर ही चुका था। नहीं उसको मारना है अभी, जितना बारी में मारो उसको मारूंगा। खराब कर रहा है मेरा, नहीं इलेक्ट्रिक हैंडल लेके जाता हूँ। इसको मारना बहुत आसान है जानते हो।
por aquí, pero... फैक्ट्री में थोड़ा घूम लेता हूँ। इसको थोड़ा सा यूज़ करके देखता हूँ। से अटैक करता है उसके लिए लीजा नाम अलग है ना, उसके लिए लीजा नाम ये है। दो से अटैक करने के लिए
inside the house. वहाँ से बाहर जाता हूँ. नेक्स्ट वीडियो में थर्ड बॉस 100% उसी से स्टार्ट करूँगा. सबसे मतलब अच्छा रह रहा है, बहुत सारा रहता है एक साथ. मारो पीटो सर, खत्म करो, है ना. मैं झमेला भी नहीं है सब. एक जगह से दूसरे जगह जाने का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पर. ऐसे एक कोर्ट यार्ड में बहुत सारा मिल जाओ एक साथ. वैसा वही एकदम शुरुआत नहीं है. अभी वही जगह फार्म कर सकते हैं हम लोग, आप लोग कर सकते हैं. मेरे को मज़ा नहीं आता एक ही जगह फार्म करना, लेकिन अभी लगता है थोड़ा सा कर लेता हूँ. 20 मिनट तो हो गया. एकदम सेंट्रल प्लाजा देखो, अभी वो नहीं है. अभी अपने पास तलवार अच्छा है. ये सब चुनौन वो एक हिस्सा मर जाना चाहिए. मैं चुंगो मुंगो ही बोलता हूँ. चुंगो मुंगो है, चुंगो मुंगो नहीं है.
স্টলধারী। मॉन्स्टर में से बस यही है जो मिलता है। एक्स्ट्रा बैग में ये चार चीज है, ये प्रेस करके रखोगे तो एक्स्ट्रा बैग में जो जो चीजें दिखाएगा उसको इक्विप करना पड़ता है। Out here alone? Wintry rapier's blade. तो gates और नहीं है इसका तो pocket saber blade. अरे साला इसका तो storm slash concentrate बोलते हैं. Wind slash storm tab guard parry. ये खरीदता हूँ भाई. Out here alone? सेल करने के लिए मेरे पास ये है ना, ये है ना 15 है ये थ्रोइंग सेल। थ्रोइंग सेल यहाँ भी तो है, थ्रोइंग सेल मिल जाता है के लिए चिंता नहीं है। बेसिक फ्रेम
एक मेरे पास क्वार्ट्ज है। इकहत्तर है, एक का 50 मिलता है। अरे नहीं भाई, 10-11 बेच देता हूँ, शॉर्ट रखता हूँ। आखिर में चलूँगा, 20,000-30,000 जमा हो जाएगा फिर चलूँगा। अपग्रेड कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट, और इस शॉट को भी थोड़ा अपग्रेड कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे एक बार और एक कर लेता हूँ फिर जाता हूँ, ठीक है ना। बॉस को मारने के लिए ये सोच से थोड़ी होगा, बॉस को मारने के लिए कोई खरीदा है नहीं, वो अच्छा वहाँ कैसे काम करता है। हमेशा पीछे से ही मार पड़ेगा, कुत्ते को बिल्ला। मुझे 5-6 मिल जाते इसीलिए मैं डायरेक्ट घूम के आता हूँ। मिडिल माउस से एम करना होता है इसलिए आसान हो जाता है थोड़ा सा। मेरे को और कोई दिखाई नहीं रास्ते पे बात करने लायक, क्या कोई, वो एक औरत मिली थी उसका बच्चा के लिए, और दूसरा मेरे पास माता और कोई बूढ़ा भी मिला खांसते हुए, कुत्ता का आवाज़ भी सुनाई दिया भागते हुए, लेकिन उसका उन लोगों का कोई मतलब बात करने का ही नहीं था। फिर कुत्ता का मालिक जो था फिर मर गया होगा मालिक, तो कुत्ता भी ट्रैप जैसा था, उसका भी कुछ नहीं हो पाया। चलता ना, 10,000 तो लगभग वही है। जगह पे मैं कितना बार मारा हूँ जब पहले पहले खेलता था ना। दूसरी जगह पे ये मिनी बॉस छोटा बॉस ये सब नहीं आता है, देखता हूँ हर टाइम पे, कभी कभार आता है कभी कभी नहीं आता है। अरे लालो जला, चला गली नहीं दिख रहा हूँ क्या मैं,
பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா. अच्छा तो यहाँ पे अगर पहला बॉस फिर से आ जाता है ये कर सकते थे. जब तुम दे रहे हो स्पेक्टर यूज़ करने के लिए तुमको ये भी देना चाहिए कि जितना बार मन हो तुम बॉस को मार सकते हो, है ना. उससे क्या होगा मतलब जल्दी जल्दी अच्छा आइटम मिल सकता है. इसी ऐसे तरह के ग्लिच यूज़ करके तो लोग गॉड ऑफ वॉर में गॉड बन गए थे, है ना. एक जो ब्लेड ऑफ क्योस अपग्रेड करना होता है उसको एक ही एंटेगनिस्ट को पांच बार मार के पांच बार उसी से उससे एक ही चीज़ लेके उसको एक ही जगह पे पांच बार अपग्रेड कर लिया बस. और उसके बाद फुल डैमेज डैमेज का माबेन कर रहा है. चार चाहिए 134 हो गया ऑलरेडी.
That sounds very dangerous. Geppetto usually isn't so clean of his grief near the club. You and Geppetto are always welcome at this hotel. People have no thanks for keeping me company. I see you're here. That means you can lie. Your lives are a rare ability. You're able to choose your own path, unbound by anything. People on the outside are still afraid of puppets. Lie to protect yourself and find your path. I'm an old friend of Geppetto's. His son is like family to me. Make yourself at home. You're always welcome here at the hotel. If you have any questions, ask my butler, Polandina. That book reminds me. Have you ever heard the fairy tale about a mischievous wooden puppet? All of Krot knows the story. All because of someone who loved that story more than anyone else. Ah, but this is strange. I do not recall who exactly was that someone. That book reminds me. Have you all but who सेकंड थोड़ा भी 4000 हो गया भाई शेप में नहीं हो रहा है इसमें है इंक्रीज कंज्यूमेबल पोजीशन लिमिट 1 अच्छा ये फेज वन का सब एक आके कंप्लीट होगा फिर फेज टू में जाएगा हैंस फेबल स्लॉट में फेबल स्लॉट में फेबल का ही लगाता हूँ Activated. Okay.
इसको एक्टिवेट कैसे होता है? शायद अभी नहीं होगा। इसके अभी मैं ज़्यादा घूमा नहीं हूँ। थोड़ा अलग है इसका। हाँ तो हम लोग उस दूसरे रूम में जाना चाहते हैं। 54 मिनट्स हो गए। यही तो बाहर जाने का रास्ता है इस तरफ से। ओह नहीं नहीं ये रोजा इजाबेला स्ट्रीट से चाहिए इसके लिए। ये मेरे को लगता है वो थर्ड बॉस ही दे सकता है। करके और एक बार जाते हैं फैक्ट्री। हाँ फैक्ट्री चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा जल्दी मिलेगा। ये यूज करते हैं। देखता हूँ यूज करके। डैमेज थोड़ा कम है लेकिन यूज तो करके देखना पड़ेगा ना। पता नहीं लोगों को कहाँ से वो डबल ड्रैगन ब्लेड मिल रहा है या ड्रैगन ब्लेड मिल रहा है। कुछ ड्रैगन ब्लेड लेकर बहुत उछल रहा है लोग अभी। ब्लेड देख रहे हो कितने पतला है। अरे अरे घर पे घुस के मारोगे क्या? ये अटैक देखना है, डबल अटैक जो है ना स्लो है साला। छोटी ऐसा था क्या? और एक बार वंस मोर। लेकिन पीछे धकेल ले गए घुमा के मारेगा। सर्वाइवर वो फिर से नहीं आ सकता। मजा खड़ी है और
जिंदा थोड़ी होगा, ये सब कैरेक्टर होता है जो एक बार मर जाने के बाद फिर से नहीं आता है, ये वैसे ही एक कैरेक्टर है। थर्ड बॉस है ये, क्या वाकई में मतलब इसके असिस्टेंट है क्या जैसे ये बोल रहा है? कंटिन्यूस स्ट्राइक कर सकता है, ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ मार्क, ऊपर के जो जो छचुंदर बचे हुए हैं इन लोगों को मारता हूँ, मार के फिर जाता हूँ, फिर थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, नीचे भी तो कुछ कहीं नहीं बैठे हुए हैं, उन कमरे को मारता हूँ। यहाँ पे दो कमरे हैं, खींचूंगा नहीं मैं चाहता था मतलब टेबल आर्ट्स थोड़ा बढ़ा देता, क्वार्ट्स तो मिल नहीं रहा भाई, क्वार्ट्स मैंने ढूंढा बहुत, और क्वार्ट्स के लिए शायद मुझे कुछ दूसरे इसको शायद मारना पड़ेगा या फिर किसी और को मारना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिल रहा है क्वार्ट्स भाई, मेहनत करना पड़ेगा क्वार्ट्स के लिए। इसको बुलाऊंगा, क्या हुआ भाईजान? अरे बच कैसे गया? अरे मारो
be. पीस रहा है ये लोग, तंदूरी बन रहा है, कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर तुम बैठे रहोगे तो फ्री में तुम इतना फार्म कर सकते हो। लोग ठीक है, इधर आओ, खड़े रहो, इन लोगों को मरते देखो। यहीं पे स्टार गेजर भी है, ये लोग आएगा और मरता रहेगा। ये देखो, अरे ये बहुत लेट हो गया। ये अच्छा है जगह काम करने के लिए। चलो 56 मिनट तो हो गया है, हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल बी बैक विद मोर एक्साइटिंग वीडियोस एंड देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय।